जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप सब? आरजू ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। 2022 का पहला ग्रहण जल्द ही आने वाला है और देखा जाए तो भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा। ये ग्रहण जब आएगा सभी के मन में बड़ी आशंकाएं होंगी, बड़े विचार होंगे कि ये ग्रहण जब भारत में नहीं दिखाई दे रहा तो इसका प्रभाव क्या हम पर पड़ेगा, या हमारी राशियों पर, हमारे ग्रहों पर इसका असर पड़ेगा, हमारे शरीर पर, जो भी गर्भवती स्त्रियां हैं उन पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। आज इस छोटी सी जानकारी के माध्यम से आप ये जानेंगे ये प्रभाव पड़ेगा या नहीं, और अगर पड़ेगा तो किस प्रकार से पड़ेगा, क्योंकि भारत में तो दिखाई नहीं दे रहा फिर भी इसका प्रभाव पड़ेगा तो कैसे पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं। देखिए, जो ग्रहण जिस देश में दिखाई दे उसी देशवासियों या जिस क्षेत्र में ग्रहण का प्रभाव हो उस क्षेत्र के निवासियों को ही ग्रहण का सूतक आदि लगता है, ये बात कुछ जच नहीं रही। कैसे? जब हम अपने शरीर को ब्रह्मांड का ही सूक्ष्म रूप मानते हैं और जैसे यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, इसी को जब हम सत्य मानते हैं तो ग्रहण कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, ये ग्रहण है तो ब्रह्मांड में ही। आपके परिवार का कोई भी सदस्य, आप मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपके घर का, आपके परिवार का कोई भी सदस्य विदेश में रह रहा है और उनके यहाँ किसी का जन्म हुआ है, संतान का जन्म हुआ है, तो अब आप ये सोचिए, आप बिना सोचे ही आप कहेंगे जी हाँ हमारे घर में संतान हुई है, हम पर इसका प्रभाव पड़ेगा, हमारे घर में सूतक लगा है। आप एक सेकंड में इस चीज़ को समझ जाएंगे और मान लेंगे। इसी तरह किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु अगर विदेश में होती है तो देश में रहने वाले परिवारजनों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, सूतक लगेगा। तो यहाँ से आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि देश हो, विदेश हो, या दृश्य हो या अदृश्य हो, उस चीज़ का प्रभाव रहेगा ही रहेगा, उस चीज़ का प्रभाव समाप्त नहीं हो सकता। भले ही देश में रहने वाले परिवारजन विदेश में उपस्थित हों या नहीं हों, लेकिन दुख उनको उतना ही होगा जितना अगर वो अपने देश में अपने परिवारजनों के पास होते। चलिए थोड़ा और आसानी से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे किसी एक देश के तूफान आदि दूसरे देश की जलवायु को भी प्रभावित करते हैं। जैसे हमारे पास के किसी एरिया में आंधी तूफान वर्षा हुई है तो उसका प्रभाव हमारे एरिया पर भी पड़ेगा। हवाएं चलती हैं, आंधी चलेगी उस एरिया में तो वो हवाएं हमारे एरिया को भी प्रभावित करेंगी। तो ठीक इसी प्रकार से ग्रहण देश में लगे या विदेश में लगे, ब्रह्मांड में होने के कारण उसका प्रभाव हम पर भी पड़ेगा, हमारे ग्रहों पर, हमारी राशियों पर, हमारे पूरे जीवन पर उन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए ग्रहण आदि समय काल को देश की सीमाओं में नहीं बांधकर उनका अपने और अपने देश के हित के लिए उपयोग करने चाहिए, उपाय करने चाहिए, जाप करने चाहिए, क्रियाएं करनी चाहिए, ताकि उस ग्रहण का विपरीत प्रभाव आप पर ना पड़े। गर्भवती स्त्रियों को भी अपना पूरा उसी प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। जब भारत में ग्रहण दिखाई दे रहा हो उस समय वो अपना पूरा ध्यान रखती हैं, ठीक इसी प्रकार से अपना पूरा ध्यान रखें, सभी जाप करें, पूजा करें, और जो भी खाद्य सामग्री होती है उसमें खासकर कुशा का विधान है या तुलसी पत्र का विधान है, ये दो वस्तुएं खाद्य पदार्थों में डाली जाती हैं। जो भी लिक्विड फॉर्म में होती हैं उन सभी खाद्य पदार्थों में ये तुलसी और कुशा अवश्य डाली जाती है, ताकि खाद्य पदार्थों पर ग्रहण की किरणों का विपरीत प्रभाव ना पड़े और जब वो भोजन खाया जाए तो वो हमारे शरीर को नुकसान ना पहुँचाए। तो अवश्य जो भी सारी चीज़ें होती हैं ग्रहण में ध्यान देने योग्य, उन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी हो ग्रहण सभी पर असर करता है।
2022 में पहला ग्रहण कब लग रहा है इसकी पूरी जानकारी आपको अलग से वीडियो में दी जाएगी। तो उस जानकारी को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि जब भी वो वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अभी के लिए देते हैं वाणी को विराम, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय जिनेंद्र।